से सिंबॉलिक तौर पे हमने जींद से शुरू किया था, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नारनौल से किया था, सुरौतो कोच का, और इस तरह कार्यक्रम बने हुए हैं। अभी 21 तारीख को कुरुक्षेत्र में है, कार्यकर्ता सम्मेलन भी चल रहे हैं जिला के रूप में, तो सारे कार्य जो जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोगों का उमड़ के आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाए। कोई बात नहीं, क्या है, कांग्रेस का ही प्रचार कर रहे हैं ना। अरे वो तो दीपक जी बताएंगे, लेकिन ऑफिशियल कार्यक्रम मैंने बता दिया, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस चल रही है। बाकी और किसी अपने तरीके से कोई कांग्रेस को मजबूत करे तो हमारे कोई एतराज नहीं, वो इस बारे में नहीं, वो तो पार्टी देखेगी। बाकी मेरे को कोई, जहां तो मैं पहले भी कहा था भी ठीक है, जो भी अपने तरीके से कांग्रेस, नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं, कांग्रेस को मजबूत करे, कांग्रेस की कोई मुखालफत थोड़ा कर रहा है, सब कांग्रेस की जो अपने तरीके से कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई कार्यकर्ता किसी को बनाना चाहता है, अब कोई आपको बनाना चाहिए दे देना, हमारे मेरे को क्या एतराज है, किसी को क्या एतराज है, कोई आपके लगाएगा कोई इसके लगाएगा, वो तो कार्यकर्ता की भावनाएं हैं, हर व्यक्ति की अपनी मर्जी है किस पार्टी में रहना है किस में नहीं रहना, तो उनको पता होगा जो उनने कहा होगा। हरियाणा में तो कांग्रेस सम्यक सक्षम है, वो तो अभी तो कोई चर्चा ही नहीं है ना हरियाणा में, कि हरियाणा कांग्रेस जो है खुद में सक्षम है 10 की 10 लोकसभा लड़ने का, और असेंबली के भी चुनाएंगे। असेंबली तो 9 साल में क्या किया, 9 साल में तो बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गए पूरे देश में हरियाणा। नहीं, पार्टी कोई राम से अलग थोड़ा ही है, राम सबके हैं, सारी पार्टियों के हैं, जो जिसकी तो अपनी आस्था की सवाल है, चलो वो तो उनकी वो है, मेरे पास तो कोई निमंत्रण आया नहीं। अगर आपके पास आता तो क्या आप जाते थे? मैं उस हाइपोथेटिकल सवाल का क्या जवाब दूंगा मैं, एक सर पहले भेजो फिर मैं दे दूंगा जवाब। पहले पहले नहीं जाएंगे, पहले आप भेज दो, कार्यक्रम है, पहले मेरे को भेज दो, मैं तो जब राम बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा, राम सबका है।